पिछले 6 महीने से लगातार सलमान खान की ट्रोलिंग हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के गुस्से का वो शिकार भी बन रहे हैं। उनकी फिल्मों को बॉयकॉट करने की बातें भी चल रही हैं। यहां तक कि उनका बिग बॉस जो है वो फ्लॉप हो चुका है। क्यों फ्लॉप हुआ वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी बीच सलमान खान की जो बहन है अर्पिता खान शर्मा, फिलहाल वो दुबई के टूर पर हैं। दुबई में वो छुट्टियां मना रही हैं और इसी बीच दुबई के एक होटल में अर्पिता खान शर्मा ने एक बहुत ही शर्मनाक हरकत कर दी है, जिसे देखने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा और आपको शर्म भी आएगी कि क्या कोई ऐसे भी कर सकता है क्या। तो वैसा कि अर्पिता खान शर्मा दुबई में छुट्टियां मना रही हैं अपने दोस्तों के साथ। होटल का एक सीन है जहां पर अर्पिता खान अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है और अर्पिता खान लगातार एक के बाद एक प्लेट्स को उठाकर फेंक रही हैं। यानी वो प्लेट्स को उठा उठाकर जमीन पर फेंक रही हैं और प्लेट्स जो हैं वो टूट रहे हैं। और अर्पिता खान ये कोई गुस्से में नहीं कर रही है, उन्हें किसी बात का गुस्सा नहीं है, ये सब कुछ वो एंजॉय के लिए कर रही हैं। अर्पिता खान को ऐसा करने से बहुत मजा मिल रहा है। फिर एक और वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें अर्पिता खान अपने दोस्तों के साथ खड़ी नजर आ रही है और उनके आसपास कुछ 40 से 50 प्लेट्स हैं और एक के बाद एक अर्पिता खान और उनके जितने भी दोस्त खड़े हैं साथ में सब उठाकर प्लेट्स को उठा उठाकर फेंक रहे हैं और वो जो प्लेट्स जमीन पर गिरकर टूट रहे हैं। और यहाँ पर भी अर्पिता खान गुस्से में नहीं कर रही है, चीजों को एंजॉय कर रही है। तो बात ऐसी है कि ग्रीक प्रथा के अनुसार प्लेट्स को इस तरह से उठा उठाकर फेंकना और तोड़ना, इसका मतलब ये होता है कि बुराई को अपने आप से दूर करना। ऐसा माना जाता है ग्रीक प्रथा के अनुसार कि अगर आप अपने जिंदगी की कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी न पड़े, खलल ना आए, तो आप प्लेट्स को उठा उठाकर तोड़िए। इससे आपके लाइफ में जो भी परेशानी आने वाली होगी वो दूर हो जाएगी। और ये जो प्लेट्स तोड़ने का फैशन है ना, ये दुबई के होटल्स में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन इस बात को लेकर अर्पिता खान शर्मा के ऊपर लोग जबरदस्त ट्रोलिंग कर रहे हैं और ट्रोलिंग में वो क्या क्या बोल रहे हैं वो जरा देखने लायक है। एक यूजर ने लिखा, जैसी शक्ल वैसी अकल वैसा ही काम। फिर एक और यूजर ने लिखा, सच अ नेगेटिव वीडियो, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल आर पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड गिवन अ लग्जरी लाइफ, दे फॉरगॉट देयर रूट्स, सच अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। ओके, इट्स अ ग्रीक ट्रेडिशन टू ब्रेक प्लेट्स टू वार्ड ऑफ स्पिरिट्स, बट नो नीड टू फॉलो क्रेजी ट्रेडिशंस लाइक दोस। फिर एक और यूजर ने लिखा कि इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग देम दे वुड हैव गिवन टू द पुअर पीपल हु आर ईटिंग फूड्स इन लीव्स एंड सम हैविंग नो प्लेट्स, गॉड इज वॉचिंग देम, वन डे दे माइट नॉट फाउंड इवन दोस ब्रोकन प्लेट्स टू कीप फूड एंड ईट। फिर एक और यूजर ने लिखा कि मुर्गी के पर निकले नहीं कि अपने आप को वो बात समझने लगती है, यही हाल है इसका, भूल गई अपनी औकात। कभी कभी इंसान का किरदार उसकी शक्ल से भी बुरा होता है और कभी कभी एक बदसूरत नजर आने वाला इंसान भी बहुत अच्छा होता है। स्वाति जैन करके एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, इसको जहां से इसका भाईजान उठाकर लाया था यानी फुटपाथ, अगर ये वही होती तो शायद ये काम नहीं करती, डिस्गस्टिंग। फिर एक और यूजर ने लिखा, सड़क छाप को व्हाइट हाउस ले जाओ तो भी वह सड़क छाप ही रहता है, ये लोग गंदे काम करते हैं झुंड बनाकर। एक और यूजर ने लिखा कि अर्पिता खान सीन इन दुबई रेस्टोरेंट स्मैशिंग प्लेट्स जस्ट फॉर फन एंड दिस हिपोक्रेट्स गिव्स अस ज्ञान ओवर सोशल मीडिया थ्रू भाईगिरी। तो दोस्तों देख ही लिया आपने कि सलमान खान की जो बहन है अर्पिता खान शर्मा किस तरह से यूजर का गुस्सा निकल रहा है। ये तो मैंने कुछ गिने चुने हुए कॉमेंट्स आपको दिखाए, अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें लिखी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि गलत है, लेकिन यूजर का गुस्सा है भाई, यूजर के गुस्से के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये जो भी कर रहे हैं ये बॉलीवुड के लोगों का, हम सभी ने देखा है कि ये ट्रेडिशन के नाम पर ऐसी बकवास चीजों के नाम पर कुछ भी करते रहते हैं। चले मान लिया कि आपके पास पैसा है, आपके पास फन है, आपके अपने पैसे हैं, आपके भाईजान जो बहुत सारा डोनेशन भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक ट्रेंड सेट करो उस चीज को लेकर कल को कोई और भी इस चीजों को फॉलो करे। भाई प्लेट्स तोड़ने से अच्छा तो था किसी को दे देती जरूरतमंद को, तो शायद आपको कुछ दुआएं दे देता। प्लेट्स तोड़ने से अगर लोगों की जिंदगी से बुराइयां नष्ट हो जाती, उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता, तो भाई साहब सुबह और शाम ना मैं कम से कम 5-10 प्लेट तो हमेशा ही तोड़ता, और जब भी होटल में जाता ना प्लेट्स खरीद खरीद कर तोड़ता, और हो सकता है कि रास्ते में या दुकान पर जाता तो वहां से पूरी की पूरी ट्रॉली गिरा देता तोड़कर। तो यार प्लेट्स तोड़कर अगर किसी की बुराइयां दूर होती है, उसकी जिंदगी से जो भी कुछ पाप होता है वो नष्ट हो जाएगा, ये तो मतलब कहते हैं कि भाई अंधविश्वास की अपनी चरम सीमा पर है ये लोग। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय, आपको क्या लगता है कि क्या प्लेट्स तोड़ने से लोगों की जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी,
आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।